जय हिंद एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। उम्मीद है कि आप सब की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सब एकदम स्वस्थ होंगे। तो पीछे जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे है यूएन की बिल्डिंग, तो मतलब कुछ रिलेशन होगा आज की ट्रिक वीडियो का यूएन की इस बिल्डिंग से। ठीक है, मैंने आपको एक बार पहले यूएन की 5 जो देश है, परमानेंट जो मेम्बर है, उनका बताया था एक ट्रिक याद करने के लिए। आई होप आपने वो की होगी और आपको वो याद भी होगी, कमेंट करके मुझे भेजना। आज हम करने वाले हैं आपसे एग्जाम से में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि मुझे ये बताओ कि ये जो भाषा है क्या ये यूएन में लिस्टेड है। तो आप कहते हो कि हमें तो पता नहीं क्योंकि याद ही नहीं है। तो आज हम जो यूएन की भाषाएं हैं उनको याद करने की ट्रिक देखेंगे कि कैसे उनको याद किया जा सकता है सिर्फ 1 सेकेंड में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, उस संघ की प्रमुख भाषाएं। ठीक है, तो चलो उसकी पहले ट्रिक जान लो और फिर वो क्या क्या है उसके बाद उनको जान लो। आपके पास ट्रिक है बस, बहुत सारे लड़कियों का, बहुत सारे लड़कों का फेवरेट हीरो शाहरुख खान। तो एस आर के बोला जाता है, आप के हटा दो। ठीक है, एस आर फेस यानी कि शाहरुख का फेस, हिंदी में शाहरुख का फेस और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आसान है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एस आर फेस, तो एस आर फेस बस यही है आपकी, इन्हीं से लगा लो अब देशों के नाम। आप कहोगे एस से क्या बना आपका, एस से जो स्पेनिश लैंग्वेज है, आर से रशियन लैंग्वेज है यूएन की मोस्ट इम्पोर्टेंट, एफ से फ्रेंच लैंग्वेज है, ए से अरबी भाषा, सी से आपका आ गया चीनी भाषा और ई से आपका आ गया इंग्लिश भाषा। तो इससे इजी कुछ हो सकता है? मेरा जवाब तो है ना, और आपका भी आई होप ना ही होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं उनको याद करने की ट्रिक एस आर फेस, और बस ये जो आपके आर्टिकल है इनसे आपके सारे वर्ड्स निकल आएंगे, एस से स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, अरबी, चीनी और इंग्लिश, चाइनीज, चीनी मतलब चाइनीज भाषा। ठीक है, तो मुझे बताना ज़रूर कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी है, और बस ऐसी ही बेहतरीन और मज़ेदार ट्रिक्स के लिए, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको करना क्या है, आपको टॉप तक को सब्सक्राइब कर लेना है और हाँ, ऐप को डाउनलोड ज़रूर करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको डियर बिल्कुल जो ज़ीरो लेवल होता है ना, जो बिल्कुल बेसिक लेवल होता है, वहाँ से आपको टॉप तक पहुँचाना और साथ साथ हर एक कॉन्सेप्ट की ट्रिक बताना, ये दोनों चीज़ें होती हैं विद PDFs। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना मेरे कहने से, और नेक्स्ट देखेंगे हम कि हमारी जो ट्रिक आएगी वो किस टॉपिक पे आएगी, किस सब्जेक्ट से आएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बस मेहनत करते रहो और मेरी यही दुआ है कि आप सब सफल हो जाओ अपने आने वाले भविष्य में।